निदेशक सर खुद नहीं चाहता है कि हमारा ट्रांसफर हो। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं? 15 जुलाई को आदेश आया था अनुदेशकों का सब्जेक्ट मैपिंग का, लेकिन अभी आज की रिपोर्ट है सर, अभी तक मात्र 38% अनुदेशक अपना सब्जेक्ट मैपिंग करवा पाए हैं। 25,883 अनुदेशक में मात्र लगभग 9,500 लोग अपना मैपिंग करवा पाए हैं, जबकि 15 जुलाई को आदेश आया था माननीय विजय किरण आनंद जी का कि उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशक अपने अपने बीआरसी पर जाकर अपना सब्जेक्ट का मैपिंग करवा ले, अपने जो भी उसकी उसमें गलती है मानव संपदा में उसको सुधरवा ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशक आज के डेट में मात्र 38% मैपिंग करवा पाया है। तो आप न समय से वेतन बिल पहुंचा पाओगे, न समय से अनुबंध पत्र पहुंचा पाओगे, न समय से अपना मैपिंग करवा पाओगे, तो आप चाहते क्या हो? सिर्फ सब कुछ हो जाए, हम कुछ न करें, तो इस प्रकार से अनुदेशकों का कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? जबकि शासन प्रशासन एकदम ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ट्रांसफर के मुद्दे पे हमारी 5 बार माननीय संदीप जीसी जी से बात हुई और आज प्रिंस पंडित जी से भी बात हुआ है। हो सकता है कल परसों में एक बार फिर माननीय प्रिंस पंडित जी के साथ आदरणीय संदीप सिंह जी से हमारी टेबल टॉक होगी, उसमें बहुत सारे मुद्दे पे बात होगी। हमने अपना ज्ञापन माननीय प्रिंस पंडित जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि कल माननीय प्रिंस पंडित जी का फोन आया था कि आप 2 ज्ञापन बनवाइए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और एक माननीय संदीप सिंह जी के नाम से। कल 5 बजे शाम को हमने दोनों ज्ञापन बनवाकर माननीय प्रिंस पंडित जी को भेज दिया है। कल रात में भी प्रिंस पंडित जी का 10:30 बजे उनसे बात हुई थी और आज भी उनसे बात हुआ है, तो लगातार लगे हुए हैं हम लोग के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोग जब खुद स्वयं ही सोए हुए हैं, और सोए भी क्या है, सोने का नाटक कर रहे हैं। हर आदमी, आप चाह रहे हैं अनुदेशकों का भला हो जाए, भाजपा के जो प्रवक्ता आते हैं वो चाह रहे हैं अनुदेशकों का भला हो जाए, लेकिन अनुदेशक खुद अपना भला ही नहीं करवाना चाहता है। भला करवाना चाहता ना आप डिबेट से जुड़ोगे, ना आप कोई काम कहा जाएगा उस काम को समय से करोगे, तो किस प्रकार से आपका भला हो पाएगा? ये चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। और अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों से आग्रह करेंगे कि कल तो विद्यालय बंद है, ऑफिस बंद है, आप परसों से रक्षाबंधन से पहले, अभी 10 तारीख को आदेश आना था, लेकिन जब तक मैपिंग नहीं हो पाएगा आदेश कैसे आएगा ट्रांसफर का? तो हमको लग रहा है कि अब 10 को आदेश आ नहीं पाएगा, क्योंकि कल भर टाइम है और कल भी बंदी है, तो परसों आदेश कैसे आ पाएगा जब अभी 38% मैपिंग हुआ है? तो हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से आग्रह करेंगे कि परसों जैसे ही ऑफिस खुले, विद्यालय खुले, आप युद्ध स्तर पे लगकर मैपिंग का कार्य करवाइए। जिनको ट्रांसफर नहीं भी करवाना है ओपी में मैपिंग का कार्य करवा ले, आप अपनी सूचना विभाग में दर्ज तो करवा ले कि जिससे उन भाइयों का जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, दूरी तय करके विद्यालय जाता है, कितना उस पर अत्याचार होता है, कितना उसका शोषण होता है। महिला अनुदेशकों की स्थिति को देखिए, वो 4,000-4,500 रुपया किराया देकर वो स्कूल के बगल में किराया के मकान लेकर रहती है, उसके हस्बैंड कहीं और ड्यूटी करते हैं, वो महिला अपने बच्चों को लेकर एक बच्चा अपने पास रखती है, एक बच्चा अपने पति के पास रखती है। अब आप बताइए 9,000 में उसके खर्चे भी डबल हो रहे हैं, जहाँ हस्बैंड रहता है वहां भी खर्चा हो रहा है, जहाँ वाइफ रहती है विद्यालय के नजदीक वहां भी खर्चा हो रहा है। जो महिला ऑटो से विद्यालय जाती है, ऑटो वाला ने किराया भी बढ़ा दिया है, और वो 4,000-4,500 से लेकर 5,000 रुपया तक ऑटो का किराया दे रही है। अब आप बताइए 9,000 रुपया पाने वाले अनुदेशक 4,000-5,000 किराया दे, 300 रुपया प्रतिदिन पाने वाला अनुदेशक 100-150 से 200 रुपया पेट्रोल डलवाए, तो किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, किस प्रकार से अपना भरण पोषण करेगा? जबकि नई शिक्षा नीति
2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है पेज नंबर 25.5 में कि उत्तर प्रदेश के सभी अनुदेशकों के सभी विषयों को मुख्य विषय मान लिया गया है और इनके अस्थाई अध्यापक रखे जाने चाहिए। उसके बाद भी आज लगभग 2 वर्ष हो गए नई शिक्षा नीति के पालन किया हुआ। आज हमने दिल्ली भी प्रयास किया है। आज हमने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ भी मैंने फोन करके समय लेने का प्रयास किया है। वहां भी मैंने उनसे आग्रह किया है कि मुझे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने का समय दिया जाए। और एक और बात बताऊं, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ भी हमने आज अपनी अर्जी लगा दी है कि हमें महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी मिलने का समय दे और हमारी अर्जी वहां भी लग गई है। आज हमने सर बहुत सारा काम किया। हमारे पास देवरिया के एक अनुदेशक का फोन आया था कि आप जरा दिल्ली भी प्रयास करिए, हम लोग दिल्ली भी चले। तो आज मैंने माननीय अमित शाह जी के यहाँ भी फोन किया है, वहां भी मिलने के लिए अपनी अर्जी लगाई है। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ भी अर्जी लगाई है, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ भी अर्जी लगाई है। अब देखिए कहाँ से सबसे पहले समय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक को अपने विद्यालय में नियमित नहीं करवा लूंगा, तब तक हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। चाहे दिल्ली से, चाहे लखनऊ से, जहां भी प्रयास करना पड़ेगा, जहां भी बात करना पड़ेगा, हम लोग बात करेंगे। जिससे भी मिलना पड़ेगा उससे भी हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे और लगातार हम लोग का प्रयास जारी है। और 17 अगस्त को, 15 अगस्त को तो पहले देश को आजादी मिली, उसका जश्न मनाया जाएगा। और 17 अगस्त को हमें पूरा भरोसा है, भगवान पे पूरा भरोसा है, ईश्वर पे पूरा भरोसा है, अल्लाह पे पूरा भरोसा है, गॉड पे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से 17 अगस्त को न्याय मिलेगा। और सत्य परेशान होता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और हम लोग की जो लड़ाई है सर, ये धर्म युद्ध है। हम लोग तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि विद्यालय में ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि अपने कर्मों को ईमानदारी पूर्वक करना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 7:45 बजे 7:45 पर विद्यालय पहुंचता है। जो टाइम एंड मोशन लागू है उसका कोई पालन करता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक पालन करता है। और अपने विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का भी कार्य करता है। और विद्यालय के बच्चों की संख्या को भी बढ़ाने का कोई कार्य करता है तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कार्य करता है। सर आज मैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ, हरदोई के खंड शिक्षा अधिकारी हैं। मैंने उनके पास फोन किया था। उन्होंने ग्रुप बनाया है छात्रवृत्ति, जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा का उन्होंने कई ग्रुप बनाया है, तो मुझे उसमें उनका नंबर मिला। मैं नहीं जानता था कि वो खंड शिक्षा अधिकारी है। मैंने उनके पास फोन किया, काफी अच्छी बात हुई। और उन्होंने जो बड़ी बात बताई, उत्तर पर ये बहुत खुशी मिली कि एक अधिकारी के मन में इस प्रकार की भावना उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के बारे में है। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कई प्रकार की बातें, आगे बोलिए, अच्छी बातें हैं, उन्हें बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरा आपको भरोसा दिला रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जितना ईमानदारी से अपने विद्यालय में कार्य कर रहा है, इतना सहायक अध्यापक भी नहीं कर रहे हैं। एक खंड शिक्षा अधिकारी का स्टेटमेंट है सर। और उन्होंने कहा आप लोग मेहनत करते हो तो उसका परिणाम तुरंत आ जाता है, लेकिन अध्यापक
मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत नहीं आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी के स्टेटमेंट है, उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी भावना का मैं